तो चलिए चलते चलते हम आपको दिखाते हैं हमारी एक छोटी सी पेशकश गहलोत से गुहार, जिससे राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद अब लोगों को विकास की उम्मीद जागने लगी है। इसी को लेकर प्रदेश भर के लोग न्यूज इंडिया के माध्यम से अपनी अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं आज एलओसी के स्थानीय लोगों ने सीएम गहलोत से अपनी समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी। अच्छा, तो ये है जो पहले जो पुरानी योजना पिछली सरकार की जो चल रही है वो बंद नहीं होनी चाहिए। उसके द्वारा जो भी और कोई भी नई योजना चला हुआ है तो अच्छी चला हुआ है, मतलब जनता को उसमें कोई नुकसान ना हो। हम इस तरीके की सरकार, हमें इस तरीके की सरकार चाहिए कि वो हम युवाओं को रोजगार दिलाए, और हमारे जो मतलब कि जो युवा जिनके पास रोजगार नहीं है, जो मतलब सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, उनको रोजगार दिलाए। उनकी जहाँ पे मतलब वो चाहते हैं कि हमें ये मतलब जॉब मिले, ये मतलब वो जहाँ पे भी जाते हैं उनको भेज दिया जाता है बार बार कि हमें मतलब कि जहाँ पे भी जाएंगे उनको बार बार यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ आगे से आगे पहुँचाते हैं, लेकिन उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है। ऐसा ये है कि मतलब नई सरकार को मतलब किसानों का कर्जा माफ़ करने के बजाय रोजगार देना चाहिए, ताकि बेरोजगार जितने भी युवा घूम रहे हैं, एजुकेटर जो घूम रहे हैं, तो इनको रोजगार मिले, यही आशा करते हैं। और किसानों को जो खाद बीज के लिए इधर उधर भागदौड़ी नहीं करनी पड़े, उनको समय पर